और आगे बात करेंगे ग्वालियर जिले की, जहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि शिवपुरी लिंक रोड पर जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंची तो उस दौरान उनके करीब जाने के लिए दो कांग्रेसी आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को हटाया, राहुल गांधी की मौजूदगी थी उसके बावजूद यहाँ पर ये देखिए झड़प की तस्वीरें। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कांग्रेस में अनुशासन का क्या हाल है। ग्वालियर की ये तस्वीरें, पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ रैली निकाल रहा था और उसी दौरान उनसे मिलने की होड़ में दोनों कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर गुस्सा हो गए, झड़प हुई, झूमा झटकी की तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे अलग किया। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, शिवपुरी लिंक रोड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो लगातार चल रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह मिलने को लेकर भी, लेकिन ये कुछ अलग तस्वीर। और हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का जिक्र करेंगे। इस मामले को लेकर आठवां आरोपी प्रदीप गोयल उर्फ ताऊ इंदौर से गिरफ्तार हुआ है। ब्लास्ट में घायल होने के बाद इंदौर में इलाज करा रहा था, कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। आरोपी प्रदीप फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की बुआ का बेटा है और इसकी भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट उसे लेकर कार्रवाई को मद्देनजर रखा गया कि कैसे अब कार्रवाई करती है पुलिस, कितनी तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो उसी की तरह एक्शन भी पुलिस की तरफ से, आठवां आरोपी भी पकड़ा गया। और अनूपपुर में आरटीओ चेकपोस्ट के कर्मचारियों की गुंडागर्दी के खिलाफ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। मामला जयथरी से पिंडरा रोड से बने आरटीओ चेकपोस्ट का, तैनात कर्मचारियों पर लगातार अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। आज भी अवैध वसूली की मांग को लेकर कोयले से भरे ट्रक के सारे कागजात और बिल्टी जब्त की गई। इससे ऐसी खबर भाजपा जिला अध्यक्ष को, तो आधाराम वैश्य कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंच गए, गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। अभी तो इसके पहले तो अपने शिकायत में तो संज्ञान में नहीं है, मतलब कब किसने किया आवेदन दिया है, लेकिन अभी भी वर्तमान में आवेदन आया है ज्ञान में, तो उसकी जांच करके और जो भी संबंधित जो व्यक्ति हैं, अज्ञात व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आरटीओ वेंकट नगर आरटीओ चेक पोस्ट पर वो अवैध वसूली की शिकायत आई, उसके संबंध में शिकायत वसूली की जाती है, उसके संबंध में पहचान करके उनके खिलाफ विधिवत जो भी कार्रवाई होगी। और ग्वालियर में एक महिला के अपहरण की सूचना पर हड़कंप मच गया। तलाश में पुलिस थाने का पूरा बल लगा दिया गया। वारदात की जगह पर पुलिस पहुंची तो उसका स्कूटर मिला। इसके बाद उसके नंबर पर कई बार फोन भी किया गया। पुलिस ने खेड़ापति हनुमान मंदिर के आसपास कई मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए, तब जाकर 9 घंटे बाद महिला का सुराग लगा। पूछताछ में पता चला कि महिला अपनी मर्जी से घर से बाहर गई हुई थी। एक लगभग 30 वर्षीय महिला के द्वारा अपने परिवार वालों को अपहरण की सूचना बताई गई थी फोन करके, लेकिन जब तस्दीक किया गया तो वह किसी भावना के भावनात्मक रूप से घर वालों से दूर चली गई थी और उसका कुछ पति से मतभेद भी चल रहे हैं, इस पर से वो बिना बताए चली गई थी, फ़ोन बंद कर लिया था हमने। उसमें तत्परता से पुलिस ने, पड़ाव पुलिस ने काम करते हुए 6 घंटे के अंदर उसको बरामद किया और उसकी जो भी स्टोरी थी उस पर हमने, अभी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं बनती थी लेकिन हमने उनके परिवार वालों को समझाइश देकर सपोर्ट कर दिया।